हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नीलम सिंह चैनल और मैं हूँ नीलम सिंह। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से काजल आप अपनी आंखों में कैसे लगा सकती हैं और कौन सा काजल आपके आंखों पे परफेक्ट बैठेगा और अपने आईज को आप बिग कैसे दिखा सकती हैं काजल लगा के। तो मैंने इसमें बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काजल लगाना, जो आपको सूट करे आप लगा लेना। तो बस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हैं तो, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे काजल जो मैंने जितने टाइप के लगाए हैं आपको कैसे लगे, और कुछ और पूछना हो वो भी आप पूछ सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो काजल अप्लाई करने के लिए मैंने लोरिया का काजल लिया है, क्योंकि ये अच्छा होता है आँखों के लिए, ये हमारे आँखों से हटता नहीं है ये काजल। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने आई के लोअर एरिया से लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आई को अगर आपको बिग लुक देना हो और तो उसमें काजल आप इस तरह से अप्लाई करें, वाटर लाइन से नीचे इस तरह धीरे धीरे करके अपने काजल आप आँख में अप्लाई करें। इससे क्या होगा, अगर आपकी आँखें छोटी भी हैं तो ये नीचे काजल अप्लाई करने से आँखें बड़ी दिखती हैं, खूबसूरत दिखती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है आँखों में। तो इस तरह धीरे धीरे करके काजल को आप अप्लाई करें। पहले स्टार्टिंग से आप चाहे तो सेंटर से या कॉर्नर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं काजल लगाना, जहाँ से आपको कम्फर्टेबल लगे, जहाँ से आसानी लगे लगाने में। तो ये देखिए मैंने धीरे धीरे करके एक ठीक सा काजल अप्लाई किया है अपने आँखों में, और देखिएगा कि बहुत ही इसमें फ़र्क दिखेगा। ये देखिए आप दोनों मेरी आंखों में फ़र्क देख सकती हैं, ये देखिए। अब मैं बताऊंगी आपको सेकंड तरह से काजल अप्लाई करना। इसमें हम जो हमारा वाटर लाइन है उस एरिया में काजल अप्लाई करेंगे, और अगर इस तरह से, और जो अप एरिया का हमारा स्थान है उसमें भी इस तरह आँख को अगर आप बंद करके काजल लगाएंगी तो ऊपर नीचे दोनों साइड में काजल खुद लग जाएंगे। ये देखिए कितनी डार्क लग रही है आँख हमारी और कितनी खूबसूरत लग रही है इस तरह। ये देखिए आप देख सकती हैं मेरे दोनों आँखों में फ़र्क। ये देखिए और ये देखिए, इस तरह काजल आप अप्लाई कर सकती हैं अपने आँखों में। अब चलिए मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। बहुत लोग होते हैं कि अगर आप लाइनर लगाना चाहती हैं तो आप पतली सी लेयर अपने आँख में अप्लाई कर सकती हैं ऊपर के एरिया में, और ये जो है हमारा काजल धीरे धीरे करके आप अप्लाई करें, एक ही बार चौड़ी लेयर अप्लाई नहीं करें। इससे क्या होगा कि हमारे जो काजल हैं वो फैल जाएंगे और दूसरे की वो फिनिशिंग नहीं बैठेंगे, इसलिए पतली पतली लेयर करके इसे अप्लाई करें अपने आँखों में। और आप अपने आँख के अकॉर्डिंग काजल अप्लाई कर सकती हैं, तो इस तरह आप अप्लाई कर सकती हैं काजल को। ये देखिए, ये देखिए मैंने पतली सी लाइनर लगाई है अपने आँखों में, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है हमारे आँखों में, और मैं आपको एक नया लुक दूंगी इससे। इस तरह आप अपने आँखों को इस तरह जिस तरह मैंने फिंगर से पकड़ा है उस तरह पकड़ के और काजल अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो एक फिनिशिंग लुक आएगा आपसे। ये काजल है इस तरह, और बिल्कुल धीरे धीरे करके काजल को आप अप्लाई करें, एकदम बहुत ही धीरे धीरे इस तरह। तो ये देखिए अभी अच्छी तरह फिनिशिंग नहीं हुआ है, मैं इसे अच्छी तरह फिनिशिंग करूँगी। क्या होता है काजल हमारा लाइन के अनुसार थोड़ा सा मोटा होता है, तो इस अनुसार थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं बैठती। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, आँखें जो हमारी हैं वो और भी बड़ी हो गई और बड़ी लगने लगी। तो ये ड्रेस पे भी होता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे ड्रेस पहन रही हैं उस टाइप से काजल अप्लाई करें। फिर ये बिग लाइन करेंगे आँखों में, जब भी आप आँखों को बिग लाइन करें तो पीछे के पार्ट को इस तरह अपने हाथों से खींच के करें, इससे क्या होगा एक फिनिशिंग लुक आएगा आपकी आँखों में और जो हमारा काजल है वो बहुत ही अच्छी तरह अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए इस तरह करके आप अप्लाई कर लीजिए अपने आँखों में काजल।
काजल का हर एक लुक ही बहुत परफेक्ट होता है, क्योंकि काजल बिना काजल के हमारी आंखें बहुत सुनी सुनी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह आप अप्लाई कीजिए, आप देख सकती हैं काजल लगे आंखों में और बिना काजल लगे आंखों में कितना डिफरेंट है। तो आप इस तरह करके आप अपने आंखों में काजल अप्लाई करें धीरे धीरे करके, ये देखिए कितनी डार्क कितनी खूबसूरत लग रही है। और ऐसे आप अप्लाई करेंगे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा ऐसे। ये देखिए मैंने बहुत ही थिक सी काजल अप्लाई की है, क्योंकि वो ड्रेस पे हमारे डिपेंड करता है, जब हम बहुत सारे टाइप के ड्रेस पहनते हैं किस ड्रेस पे किस तरह का काजल फिट बैठेगा वैसे। या बहुत लोगों को अलग अलग तरह से काजल लगाना पसंद है, जिनको चौड़े काजल पसंद नहीं है, जिनको थिक काजल लगाना पसंद नहीं है, उनके लिए मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए आप वाटर लाइन एरिया पे एक पतली सी लेयर लगा सकती हैं, ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत लुक है। आप इसे स्कूल स्कूल में लगा के आप जा सकती हैं, या डेली वेयर के लिए भी ये काजल बहुत सुंदर लगता है ऐसे। और कभी कभी आंखों में पतली सी लेयर भी लगा लेना चाहिए काजल का, वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए अब इसे मैं और थोड़ा सा डिफरेंट लुक दूंगी इसको। इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे कॉर्नर है उनको ऊपर टच करके और दोनों काजल को आई को क्लोज करके अगर इस तरह करेंगी तो इजीली तरीके से आपके अप और डाउन दोनों साइड में काजल बहुत ही परफेक्टली लग जाएगा और जो हमारे आँखें हैं वो डार्क और खूबसूरत दिखेंगी। फिर इसके लोअर एरिया में हम काजल लगाएंगे नीचे, बिल्कुल एक पतली सी लेयर लगाएंगे हम इसमें ऐसे धीरे धीरे करके, इस तरह। और इसे अपने हाथों से स्मच कर लेंगे इस तरह। ये क्या है, इससे भी एक अलग ही लुक आता है हमारी आंखों को। और साथ में क्या होता है कि अगर आप अपने हाथों से काजल इस तरह कर लेती हैं तो वो क्या होता है कि जो काजल है वो तो फैलेंगे भी नहीं और एक अच्छा बेहतरीन लुक आएगा सो अलग। अब चलिए इसमें भी हम एक लाइनर अप्लाई करते हैं। लाइनर हम अपने आँखों पे बहुत सारे टाइप से अप्लाई कर सकते हैं, थिन कर सकती हैं, थिक कर सकती हैं, ओवर थिक कर सकती हैं, तो वहाँ मैंने बताया था आपको। और इस पर भी मैं बताऊँगी कि अगर ऊपर आप काजल अप्लाई कर रही हैं तो आप किस तरह कर सकती हैं। इस तरह धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में आप अपने लाइनर को थोड़ा सा मोटा कर लीजिए और कॉर्नर से इसे बिल्कुल थिन कर लीजिए। इससे क्या होता है, ये आपकी आंखों पे एक अलग ही लुक आता है और आंखें आपकी बहुत खूबसूरत लगेंगी। और इसे आप किसी भी ओकेज़न पे अप्लाई कर सकती हैं अपने आंखों में। तो इस तरह देखिए एक थिक सा लाइनर हम अप्लाई करेंगे अपने आंखों में इस तरह। आप देख सकती हैं कितनी डार्क कितनी खूबसूरत आंखें लगने लगी अब। तो काजल आपको पता ही है कितना अच्छा होता है हमारे आंखों के लिए। अब जो हमारा लाइनर है इसे थोड़ा सा और चौड़ा करेंगे हम और इसे अपने हाथों से इस तरह मत करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी जो आंखें हैं उसका लुक बहुत ही परफेक्ट रहता है, बहुत ही खूबसूरत आपकी आंखें लगेंगी इस तरह कर लेने से। और साथ में आप देख सकती हैं इस तरह, बहुत ही अच्छा लुक आता है ऐसे करने से और काजल फैलता भी नहीं है इस तरह कर लेने से। और एक लाइट स्मोकी लुक भी, अगर आप नाइट में कहीं जा रही हैं तो आप इस काजल का लुक दे सकती हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है आपकी आँखों में इस तरह। ये देखिए और उसके बाद आप एक इस तरह अपने आँखों को लुक दे सकती हैं, बिग लाइन दे सकती हैं और नीचे के जो काजल हैं उसे डिप करके। और अगर पीछे की लाइनिंग आपको बिग नहीं देनी है तो आप थिन भी कर सकती हैं बिल्कुल। जिस तरह देखिए मेरे दोनों आँखों में कितने डिफरेंट है, ये आँख का काजल हमारा थोड़ा थिक है और इसका थोड़ा सा थिन है, आप देख सकती हैं दोनों में, दोनों डिफरेंट डिफरेंट काजल दोनों बहुत ही परफेक्ट है। जितने भी मैंने लगाए सारे काजल बहुत परफेक्ट हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने आँखों में अप्लाई कर सकती हैं इसे, क्योंकि बहुत अच्छा है। देखिए
दोनों काजल बेस्ट हैं बिल्कुल। मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काजल लगाना आपके आंखों में, और आप देखें कि जो काजल लगाने से और बिना काजल के हमारे आंखों में बहुत ही फर्क होता है। अगर बिना काजल के हमारी आंखें थोड़ी सी छोटी दिखती है, और अगर हम काजल लगाते हैं तो हमारी आंखें बड़ी दिखती हैं। तो मैंने बहुत सारे टाइप के काजल आपको लगाने बताया, जो कि ईजिली तरीके से आप अपने आंखों पर जो सूट करें आप अप्लाई कर सकते हैं अपने आंखों पर। तो आपको मेरा काजल कैसा लगा? आप अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। और तब तक किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।